अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर ऊ. क्रिकेट हैज़ बिकम सो इंटरेस्टिंग. नेशनल टी20 कप जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में. आज और कल ब्रेक है बट सिंध लीड कर रहा है 4 पॉइंट्स के साथ द टेबल. बट ऑफकोर्स इज लॉट मोर क्रिकेट टू गो ऑन. आपको ये भी बताएं कि क्या कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में. बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि जो रूमर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि जो हमारी वर्ल्ड टी20 की स्क्वाड है उसमें बिग चेंजेस एक्सपेक्टेड है. उसके साथ साथ पीसीबी का नेशनल टी20 का जो स्क्वाड है उसको बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए लोन विंडो खोलने का भी ऐलान कर दिया गया. न्यू चीफ रमीज राजा इज़ नॉट हैप्पी. उनका कहना है कि पिचेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाउंसी पिचेस हैं, बैट्समैन खुश नहीं है. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि कजाफी स्टेडियम में अच्छी पिचेस बनाए ताकि बैट्समैन परफॉर्म करे. क्या कुछ हो रहा है पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, रिपोर्ट देखते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे. जराय का कहना है कि नेशनल टी20 कप में पिचेस के मायार से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा खुश नहीं है, जबकि वो टीमों के तवाजन से भी मुतमईन नहीं. इसीलिए लोन विंडो भी मुतारिफ कराई गई है. तमाम टीमों को मुतवाजन रखने के लिए डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को कह दिया गया है. न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होने के बाद नेशनल टी20 कप को टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा करार दिया गया है और इस सिलसिले में कौमी स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों की शमूलियत को यकीनी बनाया गया है. लेकिन पिचेस मयारी न होने की वजह से कौमी स्क्वाड की तैयारियाँ मुतासर हुई हैं. बाउंसी पिचेस होने की वजह से बैट्समैन भी नाखुश हैं. जराय का कहना है कि पिचेस मयारी ना होने पर मुतालिका अफराद की बासपुर्स भी हुई है क्योंकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा पिचेस पर समझौता ना करने का कह चुके हैं. कजाफी स्टेडियम में भी पिचेस का मयार बढ़ाने और बैटिंग पिचेस तैयार करने का टास्क दे दिया गया है. लाहौर में नेशनल टी20 कप का दूसरा मरहला 6 अक्टूबर से शुरू होगा. राइट, तो ये सेकंड लेग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं न्यू चीफ ने, ये तो आपने देख लिया. इस रिपोर्ट में क्या कुछ हो रहा है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे. क्विक इंट्रोडक्शन में साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन. इट्स गेटिंग जूसी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. बट सबसे पहले हम लोग भट्टी साहब बात कर लेते हैं ये जो नेशनल टी20 की स्क्वाड को जो बैलेंस करने के लिए लोन विंडो का जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि बेसिकली जो प्लेयर अभी तक नहीं खेला या उसको ये लोग नहीं खिला रहे तो वो लोन विंडो के मुताबिक अब दूसरे स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं. तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, हम लोग तो सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं अब्दुल्ला शफीक जो है वो टॉप कंटेंडर चल रहे हैं फॉर ट्रांसफ़र. तो ये तो एक नाम देख रहे हैं हम साथ साथ. देखिए फातिमा, बहुत सारे नाम हैं जो खेल सकते हैं. दरअसल जिन लोगों ने भी टीमें बनाई हैं, ज़ाहिर नेशनल सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी इन्वॉल्व है, टीमों में बैलेंस नहीं है. सिंध, केपीके और सेंट्रल पंजाब, ये आप देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें. बाकी जो 3 टीमें हैं उनमें बिल्कुल बैलेंस नहीं है. लेकिन यहाँ ये भी मसला है, जैसे मैंने चेक करने की कोशिश की कि बाज़ कोचेस का जो रवैया है, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक वगैरह जो थे वो कुछ कोचेस के साथ जाना नहीं चाहते थे, लिहाजा उनको भी सेंट्रल पंजाब में डाला. तो ये कोचेस का जो रवैया है जिससे प्लेयर नाराज़ हैं, तो इन कोचेस को भी ठीक करने की ज़रूरत है. और जो कोचेस बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हैं उनको घर भेजने की अब मेरे ख्याल शदीद ज़रूरत है. लेकिन नेशनल टी20 टूर्नामेंट जल्दबाजी में हम करवा रहे हैं, एक सेंटर पे फिर दूसरे सेंटर पे जाएगा. देखें दुनिया भर में अब आप PSL देख लें कि होम एंड अवे के मैचेस, एक मैच लाहौर में हो रहा है तो एक मैच कराची में हो रहा है. हम 2 सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पिचेस की प्रिपरेशंस का टाइम भी नहीं मिल रहा. तो मेरे ख्याल में अब रमीज राजा का चूँकि अभी दूसरा हफ्ता ही शुरू हुआ है, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया जाए. अब आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो बेहतर प्लानिंग के साथ करवाए जाएं. लेकिन जिस तरह ये टीमें बनाकर मैचेस करवाए जा रहे हैं तो बाज़ टीमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाज़ टीमें बिल्कुल ही कमज़ोर लग रही हैं. तो एक जो मुकाबले का रुझान है वो भी नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, अच्छा, पर सिक्को मुझे जहाँ तक लगता है और मैं भट्टी साहब कुछ चीज़ों पर एग्री भी कर रही हूँ कि ठीक है, अब उन लोगों के PCB एक्शन ले रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग कि रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी टीमें बैलेंस नहीं है. बट वेयर डू यू थिंक प्लानिंग कहाँ लैक करी, क्योंकि आज तो रमीज राजा ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, नदीम खान आज बैठेंगे कोचेस के साथ और आज वो ट्रांसफर और ये सब कुछ तो चल रहा होगा. बट वेयर डू वी गो रॉन्ग इन द प्लानिंग. देखो मतलब मैंने पहले भी कहा था कि रमीज को हम साल 6 महीने साल देंगे, इसलिए कि क्रिकेट को वो समझता है, इसलिए फ़ौरन उसने कहा कि ये क्या है, बैलेंस आउट है. मगर उसको ये देखना चाहिए कि उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है, देखिए ये फ्रेंचाइज नहीं है. जब मैं बात करता था कि रिजवान नहीं खेल रहे, पाकिस्तान टीम का कप्तान जो है वो कप्तानी नहीं कर रहा, इमाद वसीम को यहाँ आपने कप्तान नहीं बनाया. और आप ये देखें कि शान मसूद ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, उसको आपने कप्तान नहीं बनाया, इमाम को बना दिया. ठीक है, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी. देखें आपको जो क्रिकेट बोर्ड है उसको देखना है कि पोटेंशियल किस में है, प्रॉस्पेक्ट कौन है. जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं ना उनको हर हाल में आपने चांस देना है. एक लड़का है मोहम्मद हारिस,
मैं जब पूछा भाई ये कौन है नया विकेट कीपर आ गया, तो सबने बोला बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। ओके जी ठीक है, एक मैच नहीं खेला है और उसको आपने रख दिया रिजवान के अंडर में। रिजवान उसको मौका देगा खेलने का? वो क्यों देगा? रिजवान इतनी अच्छी निक में है, वो क्यों अपने उसको आपने अलग कर देना, जैसे आपने आज़म को अलग किया उसको कहीं और भेज दिया, तो आपको मोहम्मद हारिस को भी उधर भेजना चाहिए था ताकि वो खेले, हम देखें। तो दो लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में नाम आया हुआ है और हम उनको देख ही नहीं पा रहे कि वो कैसे खेलते हैं, एक अब्दुल्ला शफी और एक ये मोहम्मद हारिस। मैंने जाकर वेबसाइट पे देखा तो उस पर लिखा है ही इज़ एन ऑफ स्पिनर। मैंने ट्वीट किया तो फौरन मुझे पीसीबी से आया कि नहीं जी हमारी साइट नहीं, हमारी साइट को देखें, हमने उनकी साइट को उन्होंने खुद भेजा मुझे, उसमें भी जिक्र नहीं है कि वो विकेट कीपर है। एक लड़के का आप प्रोफाइल तो सही कर दें, उसमें लिख तो दें कि ही इज़ अ विकेट कीपर एंड ओकेजनल ऑफ स्पिनर, मगर आपने लिखा ही नहीं है। और एक ऐसे लड़के को आपने टीम में, ये सारी चीज़ें रमीज़ राजा को देखनी पड़ेंगी। जैसे अभी भट्टी साहब ने बोला दूसरा हफ्ता चल रहा है, मगर ये कि उसको ये सारी चीज़ें देखनी है। जब भी उसने बोला कि यार ये आपस में बांटो जो लड़के। अच्छा सिकु भाई, बड़ी जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ इस टूर्नामेंट में ये हुई है कि कैप्टन, वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, छः की छः टीमों के जो ये तीन नाम हैं, ये पीसीबी ने भेजे हैं टीमों को कि भाई ये कप्तान है, ये वाइस कप्तान है और ये विकेट कीपर है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि भाई एसोसिएशन जो है वो रन करें टीमों को, लेकिन वहाँ से पीसीबी ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो आप समझते हैं कि कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता है कि एसोसिएशन रन करें? अंडर द इन्फ्लुएंस है, इसलिए तो मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कहता हूं कि वो अपने कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट आई एम आल्सो लाइक यू सेड, याया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सैयद याया सैनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। याया, आप लोग अभी यही बात कर रहे थे, ये जो हमारे लोन विंडो खुलेगी, अब फिर इसके बाद हम इसको रैप अप करके और भी हमने बहुत सारी बातें करनी है। तो बहुत सारे नाम हैं जो यू नो सोशल मीडिया पर तो शुरू हो गया था कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे, अब जैसे मोहम्मद हारिस है उनको भी हम देखना चाहते हैं कि वो यू नो इज़ ए गुड विकेट कीपर, इज़ ए गुड बैट्समैन, यू नो कहते हैं ना किस खेत की मूलियाँ, हम लोग भी देख लें। क्या कुछ और नाम आपको लग रहा है कि ट्रांसफर विंडो में देखने को आएंगे, क्योंकि आज तो सब कोचेस वेट करेंगे, बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज होंगे? अब देखिए फातिमा, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अगर आप हारिस की बात करें तो हारिस को वन डे स्क्वाड में मुंतखब किया गया था, वो T20 नहीं खेले, और अगर आप कहते हैं कि उनको T20 भी खिलाना चाहिए, तो एक चीज़ जो आपको मद्देनजर रखना चाहिए वो ये कि यहाँ पर जो टीमें हैं वो डेफिनेटली जीतने के लिए जाएंगी। और अगर आप परफॉर्मेंस को लेकर अभी से सवाल उठाने लगे हैं, तो ये डबल हेडर टूर्नामेंट है, हर टीम को इस टूर्नामेंट में दो मैच खेलने हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस आपको वैसी नहीं लग रही जिसकी आप तवक्को कर रहे थे, बट यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों को अभी अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आप देखें सदन पंजाब की तरफ से आज़म खान हो गए, सोहेब मकसूद हो गए, खुशदिल शाह हो गए, टोटली फ्लॉप नज़र आए हैं पहले तीन मैचों में, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में सात मैचेस बाकी हैं। लेकिन एक शिकवा बिल्कुल बनता है, और वो ये कि जिस तरह रमीज़ हसन राजा साहब फरमा रहे थे कि जनाब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के इनकार के बाद ये टूर्नामेंट जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, ना तो हमें पिचेस का वो स्टैंडर्ड नज़र आया, ना तो हमें इस टूर्नामेंट में तमाशाइयों का वो जोशो खरोश नज़र आया, और ना ही हमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में वो रमक, वो चमक दमक नज़र आई जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो बुलंद बांग दावे रमीज़ हसन राजा साहब कर रहे थे कि जनाब ये बेस्ट टीम है, इस टीम को सपोर्ट करो, जो खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको क्या सपोर्ट करेंगे? ठीक है, अच्छा टिकट्स की भी जो लोग सब बात करें कि ज़्यादा ईजी होना चाहिए, आई थिंक भट्टी साहब सभी ये बात कर रहे थे कि लोगों के लिए टिकट्स ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। ऑफकोर्स हर कोई ऑनलाइन नहीं खरीद सकता, मुझे भी कभी ऑनलाइन खरीदना होता है ना तो मैं बीच में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देती हूँ। आई थिंक ईजी एक्सेसिबल होनी चाहिए टिकट्स ताकि लोग आए, कुछ देखे थे हम लोगों ने कल क्राउड तो अच्छा लग रहा था। फातिमा इतना पीसीबी इतनी रिच ऑर्गेनाइजेशन है कि 200-500 ये उनके लिए मैटर नहीं करता, 25% क्राउड है आप खोल दें, लेकिन वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं सारा, एक तो देखें, एक तो 17 ईयर से जो कम उम्र है उनको कोविड की वजह से अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं ऑनलाइन सारा सिस्टम है, सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लोगों को पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में फौरी तौर पर रमीज़ राजा साहब को चाहिए कि ये फ्री कर दें, मगर ऑब्वियसली कोरोना का भी मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी हम आगे जाके बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। सो नाउ एक्सपर्ट्स, हम सब आपको एक ही पेज पे ले आते हैं, ठीक है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट जो रूमर्स हमारे हो रहे हैं कि वर्ल्ड टी ट्वेंटी की जो हमारी स्क्वाड है उसमें बिग चेंजेस हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब तक मैं सिक्कू से पूछे, आप लोग सब भी थिंक अबाउट कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स हम लोग देख सकते हैं। सो सिक्कू, जस्ट कमिंग टू यू, देखिए सबसे पहले जो आप सब बातें करें, ऑल फैंस आर टॉकिंग अबाउट योर मिडिल ऑर्डर, यू नो सिक्कू, मैं वही देख रही थी, मैं भी बैठ के खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस देख रही थी, आज़म, सोहेब मकसूद,
व्हाट्स गोइंग ऑन, अब आपको क्या लगता है कि क्या आप चेंजेस देखेंगे? देखिए यहाँ पे जो दो बड़े स्कोर हुए ना, एक तो रिजवान को हम एक तरफ कर देते हैं, मतलब वो तो हमारे स्टूडेंट है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट हिम, बाबर को अलग कर देते हैं, दो बंदों को तो बिल्कुल मैंने लिखा भी नहीं उनके लिए कुछ, ठीक है सॉरी, जब तक आप रिजवान की बात कर रहे थे हम दिखाना थे, ही डेफिनेटली यू फोर्स टू रेकन विद, यू नो, इस साल 1400 T20 रन, 63 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट एंड इन दीस थ्री मैचेस आपने 135 रन बनाए, अमेजिंग रिजवान, सो रिजवान को तो हम लोग साइड पे ले लेंगे, रिजवान और बाबर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें उनको तो भूल जाए, अब जो दो बड़ी स्कोर्स हुए, एक तो पूरम मंजूर ने किया, एक साहबजादा फरहान साहबजादा ना, या साहबजादा फरहान, इन दो ने हैवी स्कोर किया, बाकी उन्हें 50 कल जो है उसने भी कर दिया, खुशदिल ने एक 50 कर दिया, उससे पहले वो कंप्लीट फेल चल रहा, कोई लड़का इस वक्त फॉर्म में नहीं है। इफ्तिखार की बात करते हैं, चलें जी आप कहेंगे जिसकी एवरेज तो 68 तक पहुंच गया, इसलिए कि उसने 40 किए नॉट आउट, खुशदिल की टीम तो 102 पर आउट होगी, 50 या नहीं की उसमें, नहीं अभी आखिरी में, सॉरी हुसैन तलत ने 50 किए, हुसैन तलत फेल जा रहा है, खुशदिल में कोई खास स्कोर नहीं किया, इफ्तिखार का ये है कि 40 नॉट आउट, 6 नॉट आउट, 22, कल उसको मैच जिताना चाहिए था मगर वही बात, दो छक्के फिर आउट, तो ये जो एक चीज़ है ना, ये समझ में नहीं आ रही, मैं मैच बैठा देख रहा था कि लड़के अच्छा खासा खेल रहे हैं, ठीक है दो छक्के मार दिए फिर तीसरे के लिए जा रहे हैं, मतलब इतनी सेंस, छोटी सी सेंस अगर इनमें नहीं है तो ये कैसे पाकिस्तान टीम के लिए क्वालीफाई करेंगे? खुशदिल शाह और आजम खान सिक्को कैन मिस देयर स्पॉट्स, डू यू थिंक सो? आई डोंट नो, आजम के क्या स्कोर है, 20, 14 और 1, अब बताएं, अब उसका वो भी फेल जा रहा है, अच्छा सोएब यूजुअली सो गुड इन दिस, अच्छा सोएब मकसूद वो भी कंप्लीट फेलियर, उसका भी फील्डिंग आप देख लें सोएब मकसूद की, बट सोएब मकसूद 18-0 और 24, तीन मैच खेले, मैं हर एक का लिख रहा हूँ, 18-0 24, शादाब खान का वाइस कैप्टन, वो सबसे बड़ी गलत फहमी ये, एक विकेट नहीं लिया अभी तक उन्होंने, और सबसे बड़ी गलत फहमी उनको ये है कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, चार पे पैट करके आ जाते हैं, आसिफ के पहले वो भी जाते हैं, आसिफ से पहले नवाज भी जाता है, आसिफ से पहले रोहेल नज़ीर भी जाता है, यानी कि आसिफ की क्या यही रह गया कि बस 6 नंबर से नीचे ऊपर नहीं आएंगे आप, भाई इतना अच्छा मौका मिला है also, उसको भेजें ऊपर ताकि वो रन्स करें, हमें दिखे तो, हां एंड दिस इज अ टूर्नामेंट टू डू दैट, बट यू नो दैट शादाब विल नॉट लूज हिज स्पॉट, तो आपको वैसे क्या, अब जो मैं आपसे सवाल पूछे थे कि 3 फ्लोर प्लेयर्स यू थिंक माइट कम इन और लूज हिज स्पॉट, मुझे तो कोई भी ऐसा काबिल नजर, अब फकर की बातें हो रही है जी, फकर साहब का मैं बता देता हूँ आपको कि फकर साहब ने क्या किया है, किधर, ठीक है आप जब तक ये देखे 26-1 और बीमार हो गए, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनका ये है कि पिछले 27 मैचों में उनका 1.50 है, 27 मैच। लेट्स जस्ट कम टू आलिया एंड आलिया, व्हाट डू यू थिंक, अभी जो तक रूमर्स आ रहे हैं हमारे वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में शफलिंग हो सकती है, चेंजेस हो सकती हैं, व्हाट आर द नेम्स दैट यू आर थिंकिंग? अच्छा आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, हफीज ने अभी इंटरव्यू में बोला कि वो ऊपर आके खेलना चाहते हैं, उनके स्टैट्स अच्छे हैं, सो ही आइदर वांट्स टू प्ले एट नंबर 3 और नंबर 4, तो ये भी थोड़ी दिलचस्प होगी बात। देखिए बात यह है कि जो रोड मैप दिया गया है कि आप फेयरलेस और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो एग्रेशन ये नहीं कहती कि आप 9 ओवर्स में 5 विकेटें गिरा दें, यू नो, जब आपके शॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते तो आपका आउटकम भी आपके हाथ में नहीं होता, ये समझना है सोएब मकसूद को, खुशदिल को, आजम खान को। सोएब ने 3 मैचेस में 42 रन बनाए हैं, खुशदिल ने 3 मैचेस में 35 रन बनाए हैं, आजम खान ने 3 मैचेस में 35 रन बनाए हैं, तो पॉइंट ये नहीं है। देखिए इस पर मेरी बड़ी 2-3 दफ़ा कोशिश की है मैंने बात करने की रमीज राजा साहब से, जो हमारे चेयरमैन हैं, वो इस चीज़ पर कन्विंस हैं कि देखो इन लड़कों को हमने सपोर्ट करना है क्योंकि इनके पास ये पावर हिटिंग है और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने इस पे बहस करने की कोशिश की है कि बहरहाल क्वालिटी मैटर करती है क्योंकि आप कोई भी इमारत बनाते हैं तो ईंट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है इसमें, लेकिन रमीज ये कहते हैं कि ये सब टैलेंटेड हैं और हम इनको अगर एक दो फेलियर होंगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद ये जीतना शुरू करेंगे, आसिफ अली समेत बात कर रही हूँ, तो एक तरह से ये बात उनकी पॉइंट है, लेकिन क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं क्योंकि अभी नेशनल T20 में ही उनकी परफॉर्मेंस देख के पूरी कौम जो है वो चिल्लाना शुरू हो गई, हालांकि अभी मैचेस बाकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप में उसके बाद क्या होगा, क्या वो बैकलैश जो हम आएगा मीडिया की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी, और क्या जेन्युइनली एज ए क्रिकेटर रमीज राजा ये समझते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस देख के कि क्या वाकई इनके अंदर वो चीज़ है कि ये वर्ल्ड कप में खेलने के अहल हैं ये, क्योंकि मोस्टली तो मिड विकेट पर छक्के मारने वाले हैं और सोएब मकसूद के अंदर नो डाउट बहुत टैलेंट है, वो लेट खेलते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने उस टैलेंट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके उस तरह से जिस तरह उनको एक बड़े प्लेयर के तौर पर करना चाहिए था। देखा है ये परफॉर्म वेल जी,
वो अच्छे प्लेयर है, मैं यही कह रही हूँ कि उनको आप ये मार्जिन दे सकते हैं, मगर ये सब के सब इकट्ठे एक ही ट्रेन में चढ़ा देना जो है ना एग्रेशन के नाम पे, ये मुझे सही बात नहीं लग रही बिल्कुल। और उसके अलावा ये है कि आप जैसे फखर की बात, मैं तो बहुत पहले आपको इतला दे चुकी हूँ कि फखर जमान जो है वो T20 वर्ल्ड टीम का हिस्सा हो चुके हैं, होंगे लाजमी तौर पर। उसके अलावा जो आप क्वेश्चन कर रही थी, मुझे लगता है कि देखिए अगर आप रिजवान बाबर को हटा देते हैं तो 3 पे फखर आते हैं, 4 पे हफीज आते हैं, फिर आपको 5 नंबर पे इफ्तिखार अहमद जैसा प्लेयर चाहिए जो कि आपके पास यूएई में बॉलिंग का ऑप्शन भी दे और T20 में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फिनिशर भी हैं। फिर आप 6 नंबर पे जो आसिफ अली का रौला इतना पड़ा हुआ है, इमाद वसीम जो है वो बहुत अच्छे बैटर हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जितनी आसिफ अली करते हैं कम अज कम उतनी इमाद वसीम। 4 ओवर करवाने के बाद वो बाहर चले गए थे पिछले मैच में, नहीं मगर जरूरी नहीं कि हर मैच में चले जाए। स्पोर्ट्स फ्लो से फिलहाल इतना ही, मजीद स्पोर्ट्स न्यूज के लिए देखते रहिए जियो न्यूज।